विधायक गोपी चंद गुर्जर शराबबंदी के लिए पूनम अंकुर छाबड़ा के घर पहुंचे और उनके अभियान का समर्थन किया। स्वर्गीय श्री गुरुशरण जी छाबड़ा साहब जी के पुराने साथी हैं गोपी चंद गुर्जर। पूनम अंकुर छाबड़ा के जन्म दिवस की बधाई दी और हमेशा शराबबंदी के लिए सहयोग का वादा किया। और पूनम अंकुर छाबड़ा के द्वारा किए जा रहे राजस्थान संपूर्ण शराबबंदी आंदोलन की तारीफ की और धन्यवाद दिया। जयपुर से जीतू बुर्डक की रिपोर्ट। रूप से उन्होंने कहा कि जिस दिन मैं चला जाऊंगा और मेरी शहादत दे दूंगा उसी दिन भारत के अंदर और राजस्थान के अंदर शराबबंदी हो पाएगी। आज इस बात को साबित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज की बुद्धि पर बैठ करके छाबड़ा जी ने यह फैसला करा दिया और यदि इस फैसले को इन लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया तो हो सकता है आगे न्यायपालिका को पूर्ण रूप से शराबबंदी के लिए भी कोई ना कोई निर्णय करने की परिस्थितियां पैदा हो जाए। गोपी चंद गुर्जर पूर्व विधायक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय गुर्जर महासभा। राजा मोरध्वज नगरी गढ़मोरा के देव नारायण मंदिर पर हुई नादौती तहसील के गुर्जरों की महापंचायत। अब सिर्फ सरकार के फैसले का इंतजार। पूरा समाज अब कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जो भी आदेश करेंगे और जो भी आदेश मिलेगा पूरा समाज फिर से एकजुटता दिखाते हुए अपने हक के लिए मर मिटने को तैयार है। पूरे हिंदुस्तान से के गुर्जर एक हैं और बैसला जी उनके सर्वमान्य नेता हैं, लेकिन अब की बार धोखा नहीं खाएंगे। प्रदीप बना की रिपोर्ट। जैसा भी हमारे नेताओं का आदेश हमें मिलेगा माननीय कर्नल साहब का उस नेता के सारे पर। डॉक्टर जसवंत सिंह यादव को श्रम व नियोजन कौशल विकास मंत्री बनाने पर यादव हॉस्टल में यादव समाज व बेरवा समाज के जिला अध्यक्ष अमर सिंह बेरवा ने और सेनेटरी बाजार ने मंत्री को साफा और 51 किलो की फूलों की माला पहनाकर सम्मान किया। यादव समाज के इस सम्मान समारोह में जिला प्रमुख रेखा यादव व यादव समाज के जिला अध्यक्ष पूर्व जिला प्रमुख किरण यादव एवं गणमान्य पदाधिकारी शामिल हुए। डॉक्टर जसवंत ने कहा है मैं अलवर शहर के विकास के लिए हर तरह की कोशिश करूंगा, जो पद मुझे मिला है मैं उसे बखूबी निभाऊंगा। अलवर से चंद्र मोहन गुप्ता की रिपोर्ट। बनवा दिया है और 5 नगर और पुतली और आपके एक जो है हमारे यादव समाज का हॉस्टल, तो कहने का तात्पर्य है कि केवल राजनीति नहीं सामाजिक सरोकार भी आपका मेरे ख्याल से इतना है कि समाज आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है कि आपने अपने समाज को अपना नाम रोशन करने के लिए समाज के लिए कहीं कसर नहीं रख छोड़ी है। और इनकी राजनीतिक करियर के बारे में आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कितना संघर्ष किया है। 35 साल का संघर्ष देखिए कितना बड़ा संघर्ष होता है, लेकिन राजनीति के हर पहलू को छुआ और आज जो इच्छा थी आप सबकी अलवर जिले की जो भावना थी उस भावना को पूरा करते हुए आज राजस्थान सरकार के रूप में हमारे बीच में हमारे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर जसवंत सिंह जी यादव जो श्रम और नियोजन के मंत्रालय इनके पास है। मेरा डॉक्टर उद्धव यादव जी से भी निवेदन है, आप हमारे समाज के संरक्षक भी हैं और अध्यक्ष भी रहे। डॉक्टर उद्धव यादव जी भी कृपया करके मंच पर पधारे। डॉक्टर साहब आगे आ जाए और अब मैं आप सभी के द्वारा हमारे इस लाडले सपूत का यहाँ पर आपके द्वारा हार्दिक अभिनंदन और स्वागत माल्यार्पण और साफा के द्वारा किया जाएगा। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जीतू हिंदुस्तानी को किवाए और आपकी लिस्ट के अनुसार माननीय डॉक्टर साहब का हमारे सभी बुजुर्गों से और सभी समाजों